हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज हम लोग आए हैं अगोड़ा फोर्ट। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको मैं बताया हूँ कि पहले हम लोग गए थे चर्च पंजीम का, और वहाँ पर आपको पंजीम में क्या क्या था पूरी जानकारी आपको दिया था। और अब हम लोग आए हैं अगोड़ा फोर्ट, जो कि 1600 से 1612 के बीच में बना था। ये अगोड़ा फोर्ट लगभग इसको बनाने में 3 साल लगा था। और जो ये पत्थर देख रहे हैं, वो पत्थर लेटराइट पत्थर से बना हुआ है, जो कि यहाँ पर गोवा में अधिकतर पाया जाता है। इसी पत्थर से मकान बिल्डिंग सब बनाया जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इतना खूबसूरत और मस्त है इसका नज़ारा, आपका दिल चलेगा यहाँ आकर। और अभी हम लोग जाने वाले हैं लाइट हाउस की तरफ। वहाँ पर भी जाकर वहाँ पर आपको जेल दिखाएंगे। और लाइट हाउस जो कि 4 मंजिला में है, लाइट हाउस को 1854 में बनाया गया था। और अगुआ जो अगोड़ा फोर्ट है उसका अगुआ शब्द का नाम होता है पुर्तगाली में पानी, मतलब पूर्ता। ये जल भंडार के लिए बनाया गया था इस किला को। यहाँ पर अधिकतर मीठा पानी मिलता था यहाँ पर, और इसलिए इसको अगुआड़ा फोर्ट बोला जाता है। अब चलिए हम लोग आपको ले चलते हैं अच्छा से जगह का दिखाते हुए। हेलो दोस्त, तो चलते हैं अगुआड़ा फोर्ट की तरफ। अभी हम लोग यहाँ पर बड़े बड़े जहाज आते थे, जो भी यूरोप से आते थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पीछे पूरा समुद्र है। और यहाँ पर पूरा पिछले ज़माने पहले कुछ इसको सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और यहाँ से आप लोग पूरा दूर दूर तक जितना भी जहाज है उन सबको देख सकते हैं। और खूबसूरत नज़ारा है। और हम भी आए हैं घूमने यहाँ पर अगोड़ा फोर्ट, जो कि कांदोलिम बीच आगे की ओर है। और ये है सिकुरियम बीच में हम लोग अभी हैं फिलहाल। और आगे चलते हैं, आप सभी को भी चलते हैं आगे की ओर। मस्त लग रहा है यहाँ पर, पूरा व्यू है। और सुंदर भी है यहाँ पर। आप लोगों को जो पसंद आता है उसके लिए लाइक करना। यहाँ पर आपको मिलेगी जन्नत की सबसे खूबसूरत चीज़ें। मोगेम्बो खुश हुआ इस सीन को देख के। अरे भाई, तो
दोस्तों, काफ़ी शांत वातावरण है। एक बार आप लोग ज़रूर आइए और कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो ये बीच एरिया है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। उधर सामने जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने का व्यू, उधर दो बीच और है, कांदोली कालामबुट, और इधर आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ बीच है, समुद्र किनारा दूर दूर तक दिख रहा है। उधर आगे बागा बीच भी पड़ेगा, आप लोग पूरा बीच का एरिया इसी लाइन में पड़ता है। जितना भी बीच आप लोग देखेंगे यही साइड में पूरा बीच आएगा, और यहाँ पर आप लोग बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं, और कई लोग तो यहाँ पर फिशिंग का भी मज़ा ले रहे हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को अभी देखने में मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा कपल्स ही आए हैं, यूथ पूरा, जैसा कि आप लोग पूरा देख सकते हैं चारों तरफ। चलो चलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पगुड़ा का ऊपरी भाग। हम लोग पहले निचले भाग में था, जैसा कि आप लोग निचले भाग का वीडियो देखे हैं। वहां पर हम लोग आपको बताए थे कि वहां से कितने दूर पे है, ये लगभग 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है अगोड़ा फोर्ट ढाई। और अगोड़ा फोर्ट का ऊपरी हिस्सा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह जितना नज़र जाता है उतना दूर तक फैला हुआ है अगोड़ा फोर्ट। और वो है अगोड़ा फोर्ट का 3-4 मंजिला लाइट हाउस, जो कि आपको बताया था ना 1854 में बना था ये लाइट हाउस। और जो अगुआ हमें बताया था, अगोड़ा फोर्ट का नाम होता है अगुआ। अगुआ शब्द जो है पुर्तगाली शब्द पानी से बना हुआ है, पानी मतलब कि यहाँ पर जल भंडार, जल भंडार का केंद्र है ये। यहाँ पर टोटल 2,03,76,000 गैलन पानी यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है, और इस पानी को जहाज़ों में भरा जाता था और यहीं आकर जहाज रुका करता था, जो कि यात्री जहाज हुआ करते थे पहले जो इधर आते थे वो लोग, और वो पानी यहाँ से लेते थे और यहीं विश्राम करते थे। और ये जो किला है तीन तरफ से पूरा जल से घिरा हुआ है जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, और यहाँ पर पानी का बहुत स्टोर है। बहुत ही प्राचीन ये किला है, आप लोग एक बार घूमने ज़रूर आइए। इसका ऊपरी भाग तो से भरा हुआ है, निचली भाग काफ़ी रोमांटिक है, आप कपल लोगों के लिए ज़बरदस्त है। एक बार आप वहां पर ज़रूर जा सकते हैं, जाकर देखिए वहां का मौसम, वहां की वादियां और वहां के झरने और सी व्यू, स्काई व्यू आपको मस्त लगेगा, दिल छूलेगा आपका। तो एक बार ज़रूर आइए यहाँ पर। और ये है पंजी, कालामोड के पास है, और जैसा कि मैं आपको कैसे आना है ये सब मैं आपको बताता रहता हूँ, तो मैं इसका लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। चलो गाइस, ठीक है, फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको पसंद हो वीडियो आप बताइएगा, हम वहाँ जाकर वीडियो बनाएंगे। और जो है हम लोग इधर आए हैं TRB जर्नी के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। वैसे ही जाकर आप यूट्यूब में सर्च करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो वहीं पर आएगा। आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।